हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट, प्यारी दोस्त ऋचा शर्मा। फ्रेंड, हम सब का एक सपना होता है कि हमारी स्किन बहुत ग्लो करे, बिल्कुल परफेक्ट हो, टाइट हो, मतलब सब किसी का सपना होता है, चाहे रंग साफ हो चाहे नहीं, पर स्किन एकदम ग्लोइंग हो, शाइनिंग करती होती है तो वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। पर आजकल बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ढीली पड़ जाती है, रिंकल पड़ जाते हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। वैसे तो ये मेन तो यही है कि आपकी दिनचर्या क्या है। आप जो कुछ भी करते हैं आपको डायरेक्ट उसका पूरा असर आपकी स्किन पे, आपकी बॉडी पे पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल ही पे ही रहते हैं या बहुत कंप्यूटर वर्क है तो आपकी आंखों के नीचे कालापन आ गई है, रिंकल आएंगी ही आएंगी। तो फ्रेंड, इसके पहले तो हम चलो चर्चा करते हैं। बहुत शॉर्ट का वीडियो बनाया है, लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत फ़ायदे वाला वीडियो है। इसके लिए तो मेन तो ये है एक कि अगर आप ने किसी ने भी शख्स ने का फैटी है और उसने अपना वजन तेज़ी से रिड्यूस किया है तो भी आपकी स्किन ढीली पड़ेगी, उसमें लूज आएगी वो, क्योंकि वो अगर मतलब एक ज़्यादा नहीं, अगर 5 किलो 7 किलो तक अगर 20-25 किलो वजन लूज हुआ तो स्किन आपकी लूज पड़ेगी ही पड़ेगी। नंबर दो पे आता है कि आपका बाहर ज़्यादा आना जाना रखते हैं, मतलब आपकी जॉब ऐसी है कि आपको फील्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, तो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी स्किन को डैमेज करेंगी, कोलेजन को बढ़ाएंगी और आपके रिंकल पड़ेगी, आपका रंग दब जाएगा, मतलब ये सब चीज़ें हो जाएंगी अगर आप फील्ड वर्क ज़्यादा करते हैं तो। और नंबर तीन पे हम कहेंगे कि आपकी इसका खान पान से मेरा मतलब है कि आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, ऑयली वाला बहुत खाते हो, तला वाला, तो अभी आपकी स्किन टोन ख़राब होनी शुरू हो जाती है क्योंकि त्वचा सांस नहीं ले पाती इस तरीके फास्ट फूड से ज़्यादा। कहते हैं उसके लिए एक अच्छा और स्वात्विक भोजन ही ज़्यादा, जो हमारा सिंपल भोजन होता है उसे ही खाना चाहिए। और उसके अलावा एक मुख्य पॉइंट ये भी है, मॉइस्चराइजर की कमी। कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, उनका स्किन बहुत ड्राई भी होती है, तो मॉइस्चराइजर की कमी से भी स्किन में धीरे धीरे अपनी स्किन टोन खाने लगती है, लूज़ होने लगती है, रिंकल आना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको एक दो पॉइंट बता रही हूँ, बल्कि एक मुख्य पॉइंट ही बता रही हूँ ऑयल मसाज के बारे में। सबसे पहले तो मैं यही बता रही हूँ जो घर घर में पाया जाता है, यानी कि कोकोनट ऑयल। यह पूरे भारत में मेरे ख्याल से हर घर में मिलता है। आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए, आपको इसे आप होल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे चेहरे पे यूज़ कर सकते हैं, हैंड वैंड, मतलब जहाँ आप चाहें पैर में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी त्वचा को बहुत ज़्यादा नमी देगी। आप इसको चेहरे पे लगाएं तो सर्कुलेशन मोशन में अपग्रेड में लगाइए, आप देखेंगे आपके चेहरे पे एक शाइनिंग अलग ही आनी शुरू हो गई है। ये तो इतना अच्छा ऑयल है कि इसे आप होल नाइट लगा कर भी छोड़ देंगे ना, तब भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में बिल्कुल अपनी स्किन को खिला खिला सा पाएंगे, प्लफी सा पाएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑयल हैं, ऑयल तो आपकी पसंद का है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं और जो आपको पसंद हो, सबसे बड़ी बात है। ऑलिव ऑयल भी आता है, सरसों का तेल भी आता है, बादाम का तेल भी आता है। बादाम का तेल विटामिन ई से बहुत भरपूर होता है, इसे लगाने के लिए आपको बहुत टाइम नहीं लगाना पड़ता है, मतलब कि आप फुल नाइट इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। बस आप नहाने से 15-20 मिनट पहले से आप मोशन में ऐसे सर्कुलेशन में लगा लीजिए और 10 मिनट बाद आप नहा लीजिए, सफिशिएंट है। ये विटामिन ई से आप जानते ही हैं, रिंकल वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ती हमारे। इस तरह ऑलिव ऑयल है। और एक ऑयल का मैं जिक्र कर रूँगी, लेकिन वो अगर आपको अलाउ कर रहे हैं आप अपने आप को, क्योंकि हर कोई उसका प्रयोग नहीं कर सकता, फिश ऑयल। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि स्किन की टाइटनिंग के लिए फिश ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो अभी मैं ये कहूँगी आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। इसकी मालिश से भी कहते हैं स्किन आपकी बहुत टाइट होती है, स्किन टोन बहुत बेहतर होता है। पर फ्रेंड, लेट मी क्लियर वन थिंग, मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में है, मतलब थोड़ी, तब आपको ये सब उपाय फ़ायदा करेंगे। आप सोचें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो चुकी है, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तो ओनली मसाज से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी ही पड़ेगी। ये सब स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप शुरू से इनको फॉलो करते हैं, कुछ नहीं, आप बैठे बैठे बातचीत कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप हल्की सी मसाज वगैरह करती रही, आपकी स्किन टोन बहुत बेहतर रहेगी। आप मुझे बताइए आपको मेरा ये छोटा सा टिप कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मैं ज़रूर अपना आपका मुझे बताइएगा, आपका एक लाइक एक का कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ओके, फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छे से वीडियो, तब के लिए बाय बाय।